दोस्तों इसका कुछ चीज़ तो मैंने बताया था, लेकिन मुझे लगता है फाइनल नहीं हुआ था पिछली क्लास में, तो फिर से बता देता हूँ। एक तरीका तो भाग करने वाला ये है, जो हम लोग बचपन से ही सीखते आए हैं, बुढ़ाने लगे हैं इसी को सीख सीख के, ये तरीका है। एक तरीका इसको करने का ये है कि आप इसको ऐसे लिखिए और इसको नीचे लिखिए, मतलब दोनों का एक ही होता है, उत्तर दोनों में एक ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे समझिए, इसमें कितनी बार जाएगा। पहले हम 2 का भाग 8 में ट्राई करेंगे, तो हमें पता है 4 बार जाएगा, तो ये 2 चौक 8, ये हो गया फाइनल, यानी 8 और 2 का हिसाब बराबर हो गया। तो दोस्तों इसमें बचता क्या है फिर बाबू? इसमें ये बच रहा है यक्स स्क्वायर और वाई जेड। हमें यहाँ पे यक्स दिया है, हमें यक्स का स्क्वायर लाना है, तो हम जानते हैं कि यक्स अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो यक्स यक्स का गुणा करने पर यक्स का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब हमें यहाँ पर क्या है, वाई लाना है, अकेले सिर्फ वाई लाना है, और यहाँ पे हमें वाई दिया है, तो हम बड़े प्यार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाई लिख सकते हैं बिना कुछ ले गए ऊपर। अगर हमें स्क्वायर लाना होता वाई का, तो हम ऊपर वाई ले जाते ज़रूर। और हो गया, जेड भी हमें लाना है, तो भैया जेड कैसे आएगा, हमारे पास तो जेड है ही नहीं, तो हम ऊपर जेड ले जाएंगे और यहाँ पर जेड आ जाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ना, देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, हमें ये टारगेट पहले से दिया होता है कि मुझे इतना लाना है। जैसे देखो मैंने ये सही किया है कि गलत किया है, मैं इसको थोड़ा सा आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों जैसे 2x y, इसका अगर हम गुणा करें 4x z में, तो हमारा ये 8x2 y z आना चाहिए। अगर ये सही होगा तब आएगा, नहीं सही होगा तो नहीं आएगा। तो देखो 2 चौका ये 8 तो हो गया, ठीक है। यक्स का गुणा यक्स में होगा भाई, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वाई का गुणा किस में होगा, इसमें कोई है नहीं, तो अगर कोई नहीं है तो क्या इसको छोड़ थोड़ी देंगे, ये भी आ जाएगा वाई। अब इसमें कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। अब जेड बचा अकेले, तो भाई जेड का गुणा इसमें करोगे 1 में या कैसे भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। बात समझ में आई ना, सबको समझ में आ रहा ना, ये होता है ऐसा अलजेब्रा में। आप इस तरह का क्वेश्चन बार बार करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत फिर होगी ही नहीं। ओके चलो आगे देखें, तो ये हो गया इतना फाइनल। ये आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा, तो ये वाला आसान होगा। इसको देखो, इसको छोड़ दो। वैसे है तो फिलहाल बेसिक मेथड वही जो मैं इधर किया हूँ। भाई थोड़ा सा निकल जाए यार। चलो अब देखो वो मेथड, देखो उधर साइड वाला, इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाता, फैला के दिखाया जाता है एकदम ओपन करके। देखो कैसे, मैं इसको मिटा सकता हूँ ना, यहाँ पे घटा के आप 0 0 लिख लो, ये ख़त्म हो गया। अब मैंने इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है, इरेज कर सकता हूँ। अब इसको देखो साथियों, इसे आप लिख सकते हो 8 को 2 गुणे 4। आप कहोगे कि 2 गुणे 4 ही क्यों लिख रहे हो भाई, 8 को तो और भी कुछ लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3 बार लिख सकते हो। तो ठीक है, तुम 3 बार भी लिख लो, तभी वही मतलब हुआ। हाँ, यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स, यक्स 2 बार गुणा। हाँ, वाई और जेड सबको अलग अलग कर लो सिंगल, बस यही चीज़ तो मैंने बताया ना आपको, यही चीज़ करना है। नीचे जो दिया है उनको वैसे लिख लो, 2 गुणे यक्स गुणे वाई। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक एक नंबर को सबको काट दो। ये 2 से 2 कट गया, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, ऊपर कितना बचा है 4, और फिर यक्स बचा है और जेड बचा है। क्या बचा भैया, 4 यक्स और जेड। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा आपको अच्छा लगा, ये इधर वाला या इधर वाला? ये ज़्यादा आसान लगा होगा। हाँ, लेकिन इसमें ज़्यादा ऊंचाई करना पड़ता है, देख रहे हो इतना लंबा चौड़ा फैला ये, इसमें देखो छोटे में आ गया ना। चलो आप कमेंट करके बताना कौन सा आपको अच्छा लगा। तो आगे चले बढ़ें।